अमृतसर के रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर लगाया धरना और रेलवे स्टेशन का रोड भी जाम किया, रोड प्रदर्शन किया और रेलवे प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पहला पता लगा कि सानू के जिहड़ा रिक्शा चालक यूनियन है इन्होंने गेट नंबर 2 दे उत्ते धरना लाया। असीं आके इन्हां दीआं जिहड़ीआं प्रॉब्लम्स नूं सुणिआ है इन्हां दे कोलों असीं एप्लीकेशन लै ली है। एस एच ओ जी आर पी जिहड़े आ उन्हां दे नाल इस चीज़ नूं जिहड़ा डिस्कस किया जाऊगा। जिहड़ी भी इन्हां दी प्रॉब्लम है वह जिस परसन के खिलाफ है उसनूं तलब करके जिहड़ा इन्हां दी शिकायत सुन के सारे मैटर नूं वेरीफाई करके जिहड़ा इन्हां दी प्रॉब्लम नूं हल करन दी हर कोशिश की। भारतीय मूल निवास मुक्ती मोर्चा तों पंजाब चीफ कोर्डीनेटर निर्मल बख्शर जो कि पिछले दिनों के मेरे पंजाब के वाइस प्रेजिडेंट एक दलित मसीहा जो कि एक ऑटो यूनियन के उन्हें हेल्प के वास्ते एक कदम चुकया सी तो जो एक जगे नाम का लड़का वा वो हर ऑटो वाले को 100-100 रुपया लै रहा है। उन्हें इस चीज़ को बंद कराने की मांग की। उस चीज़ का फैसला कराता मेरे अमृतसर के चेयरमैन सुंदर कुमार गुरू जी ने। उस तो बाद 10-15 दिनों के मेरे प्रधान के उत्ते लाठीचार्ज होया गया, हथियार लिया के उन्हें दिखाए डरावा दिता कि जो कि एक एक्ट के लिखा जाता भी जो कोई चोन कमीशन होंगी आ हर एक का हथियार जमा हो जाते हैं, पर इस चीज़ का जिम्मेवार कौन आ? CID, इंटैलीजेंस, प्रशासन, कि इन्होंने लोगों के हथियार जमा क्यों नहीं किए जो पिछले दिनों के हुशियारपुर के। सर अज जिहड़ा तुसीं धरना लाया किस कारण लाया? सर ये धरना जो कि लगा है जो जगह नाम का व्यक्ति आ जिसे गैंगस्टर से स्मैकिया रिलेशन है वो इन्हों का सप्लायर इतने बनया हुआ है जो कि इतने नशा विकाता है तो गैंगस्टरी करता है जो कि यदि अं कंप्लेन बार बार रेलवे प्रशासन को करते रहे हैं। स्टेशन डायरैक्टर साहब ने भी की 20 दिसंबर साढ़े पंजाब केसरी में खबर भी लगी ही कि 100-100 रुपया बंदा धक्के ना लेंदा इतों मजदूरों को, अगर कोई 100-100 रुपया नहीं देता तो उन्होंने बाहरों जानों मार दी धमकियां देता है। पहली गल तो कोई काम नहीं करता है, कोई 8-9 ऑटो किस तरह है? ये नशा वेच वेच के इन्हें अपने अंदर सप्लायर बनाए हुए हैं जो कि असी उस मुद्दे तो आप लड़े उन्हें मैं बंद कराया जो कि मेरे साथी हैं साथियों ने मेरे साथियों ने बंद कराया, पर इन्हें महीना पहला साढ़ा राजीनामा भी होया कि मैं 100-100 रुपया नहीं लवाँगा। कोई काम नहीं करता जी, नशा वे वे कि उन्हें इस तरह अपने सप्लायर बना के 8-9 ऑटो पाए ने। पहली गल तो कोई काम ही नहीं करता, वो कहता मेरी माँ रेलवे च लगी है वो मेरा कुछ नहीं विगड़न दे सकती, रेलवे प्रशासन भी तो पूरा साथ दिता है जो कि उन्हें अड्डाखाने के बैकसाइड से एक दरगाह है वो नाल ही एक कमरा उन्हें नजायज़ क्वार्टर मल्या है, वो माँ के नाँ एक क्वार्टर होर है, उन्हें एक नजायज़ क्वार्टर मल्या है वो अपना नशा तस्करी का अड्डा बनाया है जिसे इन्होंने 18-3-2019 मेरे से जानलेवा हमला किया, मैं सट्टा लाइया जो मैं गुराना हॉस्पिटल भी रैफर किया गया सिविल चो जो उस तो बाद इन्हें अपने आप ही पता नहीं किस तरह कहता हर इतने ऑलरेडी GRP थाने भी मामले दर्ज ने।